डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा रोग है और भारत में विशेष तौर पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो कहते हैं कि भारत जो है वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल बनने जा रहा है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो है पिछले 10-15 साल में डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट डबल हुए। और ये बड़ा चिंता का विषय है। भारत में जहाँ के आयुर्वेद मौजूद है, जो आयुर्वेद का जन्म स्थान है, आयुर्वेद यहाँ प्रैक्टिस किया गया हज़ारों वर्षों से, और आज दुनिया भर में लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं और अपने रोगों को दूर कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोग हम आयुर्वेद को भूल रहे हैं और बीमारियों की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो डायबिटीज़ को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें नियंत्रण की बात करनी है। आज पूरा हमारे भारत सरकार भी एक अभियान शुरू किया है, मधुमेह नियंत्रण प्रोग्राम, उसमें जीवा भी पार्टिसिपेट कर रहा है और हम जगह जगह जाकर के लोगों को शिक्षित भी करते हैं, उनको बताते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी औषधियाँ उसके लिए बनाई गई हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें खुद थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है अपने भोजन में। चाय में जो है चीनी बहुत डालते हैं लोग, और चाय भी बहुत बारी पीते हैं, चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो डायबिटीज़ तो आएगी। तो डाइट का कंट्रोल करना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, और हमारे यहाँ तो कितनी सारी जड़ी बूटी है। मेथी आप एक चम्मच रात को पानी में भिगोइए, सुबह उसको उबाल करके गर्म गर्म पानी पिए, मेथी के दाने भी खा जाइए। मेथी दाना, तेजपत्र और जामुन की गुठली अगर मिल जाए तो तीनों चीज़ें बराबर बराबर लेकर के एक चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण में से एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करिए, देखिए बहुत बढ़िया। जिनको डायबिटीज़ नहीं वो भी ले सकते हैं। या फिर जो है बहुत अच्छा रहेगा कि आंवले का ताज़ा रस निकालें, उसमें थोड़ी हल्दी डाल करके पिए। आंवला रस तो आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग पीते हैं, थोड़ी हल्दी डाल के पीजिए, तो आपके प्रिवेंशन भी होगा और डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं आप तो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और करेला आप अगर मिले सीजन में, करेले का जूस थोड़ा 40-50 मिलीलीटर पी सकते हैं। नीम के पत्ते बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं, नीम के पत्ते आप सेवन कर सकते हैं। चिरायता हमारे एक जड़ी बूटी होती है, थोड़ा चिरायता रात को एक गिलास पानी में भिगो दीजिए, साबुती डाल दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए चिरायते वाला। बहुत सारी चीज़ें करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम डायबिटीज़ का नियंत्रण ही नहीं करेंगे, हम डायबिटीज़ को भारत से भगा के छोड़ेंगे। और ये पॉसिबल है, हम लोग अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो डेफिनेटली बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है और हम बिल्कुल डायबिटीज़ पर काबू पा सकते हैं।